Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me Neel Mani Sen. लास्ट वीक हमने देखा कि गोल्ड की कीमतों में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वहीं सिल्वर के प्राइजेस में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। सिल्वर में बेटर रिटेल डिमांड और इम्प्रूव्ड ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के चलते इसकी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और ये तेजी आगे भी जारी रह सकती। टेक्निकली अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के दोनों में ही हम बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ इस हफ्ते काम कर सकते हैं। इस हफ्ते कई इम्पोर्टेंट डेटा आने वाले हैं, जैसे कि चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर हैं, रिटेल सेल्स के नंबर हैं, साथ ही चाइना के ही लोन प्राइम के नंबर्स हैं, जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, साथ ही यूएस में भी एफओएमसी की मीटिंग है। तो इन सभी डेटा इवेंट्स पूरा वीक होने वाला है, जहां पर इन सभी डेटा पर हमें नजरें बनाए रखना है। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड में यदि सपोर्ट की बात करें तो 64,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 66,360 पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है। वहीं सिल्वर में एक अच्छा सपोर्ट 73,500 के आसपास है और यदि रेजिस्टेंस को देखें तो 77,000 पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं देन 77,500 की तरफ प्राइजेस मूव कर सकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA को 2024 में क्रूड ऑयल की डिमांड बेहतर रहने की उम्मीद है, जिससे कि इसके प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही यदि बात करें तो यूएस में क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन भी इसके प्राइजेस को सपोर्ट कर रही है, तो ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है, इसलिए यहाँ पर भी बाय ऑन डिक्लाइन के साथ में काम किया जा सकता है। नेचुरल गैस की यदि बात करें तो एक रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिल सकता है हमें इस हफ्ते भी। क्रूड ऑयल की यदि बात करें तो यहाँ एक अच्छा सपोर्ट 6,500 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो अगला 6,850 पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। नेचुरल गैस एक रेंज बाउंड सेशन में है, यहाँ पर लोअर रेंज 132 पर है और रेजिस्टेंस लेवल यदि देखें तो 155 से लेकर के 160 का जोन रेजिस्टेंस जोन है। चाइनीज स्मेल्टर द्वारा प्रोसेसिंग फीस में कमी करने के चलते वहां के इंडस्ट्रियल मेटल्स में कटौती करने की बात की गई है, जिसके चलते हमें सभी बेस मेटल्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। खास करके कॉपर में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, अब यहां से प्राइजेस और ऊपर जा सकते हैं, इसलिए सभी बेस मेटल्स में बाय ऑन डिक्लाइन के साथ काम किया जा सकता है। फॉर नेक्स्ट वीक चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स और यूरो जोन और यूएस के जो डेटा आने वाले हैं वो भी काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे सारे बेस मेटल्स के लिए, इसलिए इन नंबर्स पर हमें अपनी नजरें बनाए रखनी है। बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट 740 पर है और रेजिस्टेंस यदि देखें तो 780 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है। जिंक में एक अच्छा सपोर्ट 214 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस देखें तो 228 पर अभी भी इंटैक्ट है। एल्यूमिनियम में एक अच्छा सपोर्ट 201 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस अभी भी 212 पर इंटैक्ट है। जिस दिन ये 212 के ऊपर निकल कर सस्टेन करेगा तब यहाँ पर एक एल्यूमिनियम में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ओवरऑल यदि देखें तो इस हफ्ते कमोडिटी मार्केट में काफी बड़ी रैली देखने को मिल चुकी है और भी आगे हमें अब यहाँ पर अच्छे बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर अभी सभी कमोडिटीज में थोड़ा सा तेजी का रुझान बना हुआ है, तो बाय ऑन डिक्लाइन के साथ सभी कमोडिटीज में काम करना चाहिए। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.